और यहाँ आपको आगाह करें, सिंध में बलदियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिंध में बलदियाती इंतखाबात अगस्त के आखिर में होंगे। इंतखाबात मुलतवी करने की समरी चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इलेक्शन कमीशन को भेजी थी। बात करेंगे नुमाइंदा न्यूज वन अहमद नवाज से। अहमद नवाज, क्या वजह सामने आ पाई है बलदियाती इंतखाबात मुलतवी होने की? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से जो सिंध के चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को समरी भेजी थी कि कराची और सिंध में 22 जुलाई से शरीफ बारिशों का इम्कान है और जिसकी वजह से जो सिंध में बलदियाती इंतखाबात का अमन व अमान और दीगर जो इंतजाम है वो मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। और सिंध हुकूमत की जानिब से समरी पर इलेक्शन कमीशन ने गौर किया और इलेक्शन कमीशन ने सिंध में बलदियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। और इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक सिंध में जो बलदियाती इंतखाबात है वो अगस्त के आखिर में कराए जाने का इम्कान है। और इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक सिंध की जो समरी है चीफ सेक्रेटरी ने भेजी थी इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन ने गौर करने के बाद ये फैसला किया है कि सिंध में बलदियाती इंतखाबात जो है वो मुलतवी कर दिए गए और ये सिंध में बलदियाती इंतखाबात अगस्त के आखिर में कराए जाने का इम्कान है और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन भी जारी करेगा। जी शुक्रिया, आप अपने आगाह कर रहे थे अहमद नवाज। ये थी न्यूज़ सुनता सतरीन।